इज द बेस्ट प्रयास कर रही है, इतनी जगह मोदी जी ने खुद टूर लगाया है फॉरेन में, तो ग्लोबल कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या हो रहा है? यहाँ आकर के मेरा ज्यादातर फोकस जो फॉरेन से क्लाइंट आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ पहले सालों की तुलना में यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेन के कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं, फॉरेन के विजिटर्स भी बहुत आए हुए हैं, यूके यूएसए गल्फ से आए हुए हैं, ताइवान से, चाइना से आए हुए हैं। उनसे बात करने पर मुझे ये लगा कि बिजनेस के लिए या मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं भारत को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने की, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हैव दिस एक्सपीरियंस बिफोर, वी कैन सप्लाई रियली गुड टेक्नोलॉजी। शनिवार तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में काफी संख्या में दर्शक भी आ रहे हैं। पेपर से संबंधित लोग इस प्रदर्शनी से काफी जानकारी हासिल कर रहे हैं। उद्यमियों की माने तो सरकार उनको बहुत सहायता दे रही है, मगर उनकी एक गुजारिश है कि सरकार ने कागज पर 12% GST लगाया है, उसे कम कर 5% किया जाए ताकि व्यवसायी अपने कारोबार को सही तरह से चला सके। संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया गेट पर वर्ल्ड फूड इंडिया का समापन देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। भारत में पहली बार मेगा विश्व खाद्य सम्मेलन का आयोजन इतने बड़े स्तर पर किया गया है। इस वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी में शामिल खान पान की स्टॉल पर आई जनता ने जमकर लुत्फ उठाया। 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया में देश विदेश से आए पर्यटकों ने मेले में घूमकर देश के खदानों की जानकारी भी हासिल की। मेले के जितने भी मैं बहुत सारे स्टॉल पे घूमा, वहाँ पे उनसे मैं हम लोगों ने बात भी की, तो दो तरीके के यहाँ पे कैटेगरीज हैं। एक तो जो अपने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडियन जो ब्रांड्स हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है